हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की कुछ अपडेट्स के बारे में, जिसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा JMI.CUE। ये जामिया की ऑफिशियल एडमिशन वेबसाइट है। इस तरह से जब आप सर्च करते हैं तो ये जो लिंक पहला आता है उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट ओपन कर लें। वेबसाइट ओपन करने के बाद ही यहाँ पर आपको जो सबसे पहला अपडेट दिखाएगा वो अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम CDOE 2023 and 2024। ये CDOE डिस्टेंस प्रोग्राम है जो जामिया निकालता है, और इन डिस्टेंस प्रोग्राम में ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स भी हैं। उतनी आपको वैरायटी नहीं मिलेगी लेकिन है, और इसकी लास्ट डेट आई थिंक 28 जून तक है। आप इसको फिल कर सकते हैं। इसमें एंट्रेंस भी बीएड में है, बाकियों में एंट्रेंस भी नहीं है, आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट चीज़ है स्कूल एडमिशन रिज़ल्ट 23-24। इनका क्या है कि अब इसमें कोई और आगे लिस्ट नहीं आएगी। जो भी वेटिंग में आए हैं स्टूडेंट्स, जो वेटिंग लिस्ट आई है बस वही है, वो कंफर्म कितनी होगी वो डिपेंड करता है। और स्कूल वाले स्टूडेंट्स के लिए बात ये है कि उनके क्लासेस स्टार्ट हो सकते हैं 1st या 15th जुलाई से, डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कि हम ऑलरेडी 1st से 15th के बीच में ही न्यू सेशन स्टार्ट होता है मोस्टली 11th वालों का, इसीलिए तभी हो सकता है, बाकी 6th 9th का भी तभी स्टार्ट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एडमिशन रिजल्ट्स की, यूनिवर्सिटी एडमिशन रिजल्ट्स की, तो यूनिवर्सिटी में आपको हमने कल ही बताया था कि कुछ नए कोर्सेज जामिया ने और रिज़ल्ट निकाल दिया है। तो जामिया ने आज तो कोई नया अपडेट नहीं निकाला, लेकिन बैचलर्स और मास्टर्स की वो कोर्सेज जिनमें इंटरव्यू है उन सब के रिज़ल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो सिर्फ अभी उन्हीं के ही रिज़ल्ट आए हैं जिनके इंटरव्यू होने हैं, लाइक मास कॉम है, डेफ कॉम है, MHRM है, इन सब के आ गए हैं मास्टर्स में, और बैचलर्स में भी जिनके इंटरव्यू होने हैं उनके रिज़ल्ट आ चुके हैं। आप एक बार सर्च करके यहाँ पे कैप्चा टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। इसके अलावा इंटरव्यू वाले आए हैं, यानी कि इंटरव्यू के भी रिज़ल्ट जल्दी ही निकलेंगे। इंटरव्यू लिस्ट से आने के बाद 10 से 15 दिन बाद उनके सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है, इससे ज़्यादा डिले नहीं होता है। तो अभी फर्दर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक वो लिस्ट नहीं आती है। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। दैट वॉज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।